हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज बना रही हूँ ये रसीली मीठी सी बूंदी, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, एक बॉल लेना है और 2 कप के करीब बेसन डाल देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है पूरी तरह, मतलब एक ही बार में पानी नहीं डाल देना है, नहीं तो ये गुटली बन जाएगी और बहुत परेशानी बाद में होगी। तो इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गुटली बनाएं। और देखिए इस तरह से मैंने बेसन को घोल लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए कि वो उठाने पर ये बूंद बूंद देखिए इस तरह से गिरना चाहिए, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे क्या करना है, एक तरफ ढक के रख देना है कुछ देर के लिए। तब तक इधर गैस ऑन करके एक मोटे तले वाली कढ़ाई मैंने रख दी है और इसमें 1 कप भर के मैंने चीनी डाला है और उसी कप से 1 कप मैं पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा और पानी डाल दे रही हूँ इसमें और इसकी एक चाशनी तैयार करनी है, गुलाब जामुन की तरह जो चाशनी होती है ना, ठीक उसी तरह से इसकी चाशनी होनी चाहिए। इसमें मैंने कुछ इलायची के दाने मैंने कूट के डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से ये चाशनी तैयार है, इसे मैं एक तरफ रख दे रही हूँ और तब तक ये घोल वाले जो बाउल है वो मैं ले रही हूँ और इसमें फूड कलर मैंने डाल दिया है और सोडा डाल दिया है। आप फूड कलर मन करे तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और ये 1 चम्मच मैंने इसमें से घी लेकर डाल दिया है, गरम घी 1 चम्मच डाल देने से क्या होता है कि क्रिस्पी बूंदी बनती है। चम्मच से 1 बूंद 2-3 बूंद डालकर देखना है, अगर ये कढ़ाई से ऊपर आ जाए तो समझिए कि तेल हमारा जो है वो परफेक्ट गर्म है, इसी तेल में बूंदी बनती है। और ये छानने के लिए मैंने ये लिया है, इसमें से बूंदी बहुत अच्छे ढंग से गोल गोल दाने जैसे निकल रही है। देखिए इस तरह से मैं 2 ट्रिक से बताऊँगी, एक तो ये हो गई और एक और है दूसरा, ये देखिए कितने अच्छे से निकल रही है बूंदी, है ना, गोल गोल दाने हैं एकदम। देखिए बहुत ही अच्छी बूंदी बनती है, इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छे ढंग से हो गई है। देखिए ये बूंदी मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में, देखिए गोल गोल दाने हैं इसके। दूसरा ट्रिक ये हो गया, इस तरह से इस तरह से भी बहुत अच्छी बूंदी बनती है, लेकिन वो वाले जो ट्रिक था ना उसमें बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है लेकिन फिर भी बन जाती है। और दूसरी बार अगर जैसे कि बनाएं तो इसे फिर धोना पड़ता है, पोछना पड़ता है, तब जाकर ये अच्छे दाने निकलेंगे। देखिए इस तरह से, नहीं तो उसी में फिर अगर डालेंगे ना तो वो अच्छे दाने नहीं निकलेंगे। इस तरह से बहुत अच्छे दाने निकलते हैं, एक बार बनाइए फिर उसे धोइए फिर पोछिए फिर बनाइए। तो इस तरह से भी हो गए, ये मोतियों जैसे दाने निकल कर आए हुए हैं बूंदी के, देखिए। और ये क्रिस्पी भी बहुत है क्योंकि मैंने 1 चम्मच इसमें से घी लेकर उसमें गर्म घी मैंने डाल दिया था बेसन में, ये ज़रूर आप कीजिएगा तो बहुत ही क्रिस्पी बूंदी बनती है। तो इस तरह से मैंने सारी बूंदी निकाल ली है। देखिए अब क्या करना है कि एक पैन लेना है और पैन में वो जो खरबूजे वाली बीज होती है ना वो बीज मैंने इसमें फ्राई कर लिया है। देखिए इस तरह से फ्राई किया हुआ जो बीज डालते हैं बूंदी में तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, देखिए इस तरह से ये चटक जाए। तो इसे निकाल के एक तरफ रख दें। अब क्या करना है कि वो कढ़ाई में जो चाशनी थी गुनगुनी जैसी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी, तो गुनगुनी में ही ये सारी मैंने बूंदी इसमें डाल दिया है और कुछ दाने मैंने पिस्ते के डाले हैं और ये खरबूजे के बीज हैं। और ये सब डाल के बूंदी को बहुत ही अच्छे ढंग से मिक्स कर लेना है चाशनी में और इसे मिक्स करके करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देना है जिससे कि सारी बूंदी जो है वो चाशनी को पी ले। देखिए इस तरह से मैंने छोड़ दिया है और 1 घंटे के बाद मैं इसे खोल रही हूँ। देखिए सारी चाशनी जो है बूंदी ने पी लिया है चाशनी को
और बहुत ही अच्छी रसीली सी बूंदी तैयार हो रही है। देखिए एक दाने मैं इसे दबा कर देख रही हूँ, इसमें से जितनी भी रस हैं वो निकल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने बूंदी बनाया है, मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से आप भगवान जी के भोग के लिए भी ये मीठी बूंदी बना के तैयार कर सकती हैं। देखा ना, ये बहुत ही अच्छी लगेगी। जब भी आपको मीठा खाने का मन हो ये बूंदी झटपट से बनाइए और घर पे मज़े से खाइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।